सो जय हिंद। किसी भी जॉब के लिए, किसी भी वर्क के लिए किसी को एक पैसे भी नहीं देने, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है? फ्रॉड का शिकार होने से बचो, ना कि फ्रॉड का शिकार हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक। ऑनलाइन थैंक यू सो मच। सो थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। अबव 3,000 कैंडिडेट्स मेरे थ्रू सिलेक्ट हो चुके मैं हैं। तो ठीक हूँ भाई, जॉब लग गई तो उसकी खुशी में थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपके वजह से तो लग गई यार। थैंक्स लॉट प्रथम सर फॉर गाइडेंस। बस आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देखने के बाद मेरा डर खत्म हुआ और मैंने कुछ अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए कुछ करने को सीखा। फाइनली मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लिया, वो भी एयरलाइन। एवरी वीक हैप्पी, आज फाइनली मुझे जॉब मिल चुकी, इसका सारा क्रेडिट प्रथम सर को जाता है। प्रथम सर ने मुझे इस जॉब के लिए बहुत हेल्प। थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर। थैंक यू प्रथम सर, थैंक यू सो मच। फाइनली आई गॉट अ जॉब और ये सब हो पाया प्रथम सर की वजह से। थैंक यू प्रथम सर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रथम सर फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो हेलो एवरीवन, अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों ने लाइव सेशन मेरा एक कैंडिडेट के साथ देखा होगा। मेरा एक कैंडिडेट मेदांता द मेडिसिटी में सिलेक्ट हुआ। सिलेक्शन के लिए मैंने मैसेज आ रहा है, कैसा लग रहा है सिलेक्ट हो? सर मेरे को बहुत खुशी हो रही है, सिलेक्शन मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरी फर्स्ट जॉब थी, वो मैं एक बार में क्लियर हो गया सर। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। घर पे बताया? मतलब मैं सर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, इतना खुश हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम में मेरी जॉब लगी सर, वो भी मेदांता द मेडिसिटी, जिसका सर बहुत बड़ा नाम है सर। यस सर, मैंने मम्मी को बताया था सर, सब लोग बहुत खुश है सर मेरी फर्स्ट जॉब को लेके, कि मतलब बंदे ने एम कॉम कर रखा था सर। मैं कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, मैं ऐसे मतलब खाली घूम रहा था। आपकी प्रॉपर गाइडेंस मिली मेरे को, मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया, आपको फर्स्ट टाइम देखा था इंस्टाग्राम पे, आपसे बात की, मैंने आपको सारे सर्टिफिकेट भेजे थे, फिर आपने मेरे को प्रॉपर गाइड किया, ठीक है? मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे उसके फोटो भी डाली थी, उसने मेरे को वहां पे क्लिक करके सेंड की थी। तो लाइव सेशन जिसने नहीं देखा उनके लिए यूट्यूब पर डल जाएगा लाइव सेशन, हमारे दूसरे चैनल पर। दूसरा चैनल है प्रथम परिवर्तन नाम है उस चैनल का। तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च करो प्रथम परिवर्तन, आपको चैनल मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक उसी का दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना उसे, उस पर आपको वो सेशन देखने को मिल जाएगा उसका कैसे सिलेक्शन हुआ था। तो आज इधर ही जॉब के बारे में बता रहा। और हाँ, यहां पर आपको किसी भी मेडिकल फील्ड की डिग्री की कोई नीड नहीं है। आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, आप सिंपली 12th पास हो, आप इजिली इधर अप्लाई कर सकते हो। इधर जाते हैं रिसेप्शन पर, जॉब रहती है डेटा एंट्री की, कॉलिंग की, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर आपने फाइनेंस के कोर्सेज कर रखे, फाइनेंस अकाउंट्स की नॉलेज है, तो आप बिलिंग का डिपार्टमेंट संभाल सकते हो। काफी सारी वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्ट होना है, ध्यान से समझना, एक एक चीज बताऊंगा। और हाँ, किसी भी जॉब के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उस लड़के ने भी साफ साफ बताया था जिसका सिलेक्शन हुआ था, मैं उसके साथ इंस्टाग्राम पर लाइव गया था। क्या बताया था उस कैंडिडेट ने, कि रेज्यूम और कवर लेटर जो प्रथम सर ने मेरे को बना के दिया, उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है मेन, और मेरा मैंने जो प्रथम सर के व्हाट्सएप ग्रुप में जो कोर्स किया था उसका सर्टिफिकेट। तो रेज्यूम और कवर लेटर, ये दो चीजें आप बनवा लो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके। किसी भी जॉब के लिए, आप कहीं जॉब के लिए जाते भी हो, तो ये दो चीजें आपको लेके जानी पड़ती है। पहले था कि हम रेज्यूम से हो जाता था, बट अब कवर लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैसेज करके बनवा लेना। सेकंड चीज हो गया स्किल्स। स्किल्स के लिए बाहर 10-10 हजार, 20-20 हजार के एक एक कोर्स होते हैं, इतने महंगे महंगे, चाहे फाइनेंस का हो, कोडिंग का हो, किसी भी चीज का, तो वो आपको खर्च करने की कोई नीड नहीं है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए हेल्प निकाल दी है, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ओपन कर लिया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे जो जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिलेक्शन में आगे तक लेके जाएंगे, तो वो आप कर सकते हो सर्टिफिकेशन के साथ। नॉमिनल से चार्जेस देकर मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, मेरा पर्सनल ग्रुप है, उसमें मैं खुद से भी गाइड करता हूँ और एक्स्ट्रा जॉब्स भी डालती हूँ उसमें। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके ये दोनों चीज के लिए आप जस्ट अप्लाई कर सकते हो, मतलब रेज्यूम कवर लेटर बनवा सकते हो मुझसे मैसेज करके, एंड ग्रुप में ज्वाइन होकर स्किल्स सीख सकते हो, बिना स्किल्स के क्योंकि जॉब है ही नहीं कोई। अब बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्ट होना है। ओके, ध्यान से समझ। सो स्टेप बाय स्टेप देखना कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सिंपली गूगल पे आप सर्च कर लोगे jobsallindia.com। ध्यान से देख लो कि आपको सर्च क्या करना है। देख लिया क्या सर्च करना है, पोर्टल आ जाएगा सामने, पोर्टल पे आपको करना है क्लिक। क्लिक किया, आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट पेज पे आपको जॉब मिल जाएगी ये वाली।
मेदांता गुड़गांव लेटेस्ट जॉब्स, ओके ये मिल जाएगी, ये हेडिंग पढ़ लेना, हेडिंग पढ़ लिया करो। क्लिक करूंगा मैं, जैसे क्लिक किया यहाँ पे कर देता हूँ इसको क्रॉस, क्रॉस कर देता हूँ। अब पढ़ते हैं आगे, स्क्रॉल करूंगा ये जो पोर्टल है jobsallindia.com, इस पे रेगुलर अपडेट्स चलते रहते हैं जिस पर मैं वीडियो बना भी नहीं पाता, मैं डायरेक्टली इस पे डाल देता हूँ कभी कभी। तो आपको फॉलो के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कन्फर्म फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा साइड में, ठीक है, तो कन्फर्म फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना इस पोर्टल को। सेकेंड चीज, डेली अपडेट्स के लिए यस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अब क्या करना है आपको, फ्री टेलीग्राम ग्रुप, मेरे को कुछ भी बात करनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स डालने होते हैं, कुछ भी, उसके लिए एक ग्रुप बना रखा है मैंने, इस ग्रुप को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। जो टेलीग्राम यूज नहीं करता ना वो भी कर लेना, व्हाट्सएप की तरह ही होता है, बहुत ईजी होता है यूज करना, व्हाट्सएप की तरह ही होता है वो भी। तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके इस लिंक पर क्लिक, इस बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। अब आती है कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये हॉस्पिटल कैसे है, कब बना था या किसने स्टार्ट किया था, कहाँ पर है, क्या चीज़ें, ये कुछ चीज़ें आपको, कितने बेड्स हैं, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन से डॉक्टर ने स्टार्ट किया था, सब चीज़ें, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई नाउ। तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में थी, अब हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ताकि हर किसी को इंग्लिश में नहीं समझ आता, तो पूरी डिटेल्स हिंदी में दे रखी है, पढ़ लिया, लास्ट में कर देना है अप्लाई नाउ पे क्लिक। जैसे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 20 सेकंड्स के लिए आपको वेट करना है जब तक जॉब का लिंक जनरेट हो रहा है। तो जॉब का लिंक जब तक जनरेट हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं। जॉब का लिंक जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, फिर डायरेक्टली अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड वीडियो के नीचे कमेंट का आपको सबको रूल पता है, नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, अपने नाम के साथ कमेंट करा करो हमेशा, ताकि मेरे पास पर्सनल जॉब्स आए तो मैं इजीली आपका नाम सर्च करूँ इंस्टाग्राम पे और आपकी आईडी मिल जाए, मैं मैसेज कर सकूँ, इसलिए बोलता हूँ नाम के साथ कमेंट करा करो। अपना नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, ये तीन चीज, एंड प्लीज मेक वीडियो ऑन नेक्स्ट वीडियो आपको किस जॉब के ऊपर चाहिए, ओके। अप्लाई नाउ का बटन आ चुका है, अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेदांता की वेबसाइट ओपन हो चुकी है ऑफिशियल, ओके। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है ये प्रॉपरली ध्यान से देख लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक कर लेना है क्लिक, आपको सिंपली क्या करना है इसको, ये हिंदी में हो गई, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं वापस, इसको डेस्कटॉप साइट पे करना है। डेस्कटॉप साइट में इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी, ओके। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, एंड आप देखो अब इट्स टाइम टू चेंज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, व्यू जॉब्स पे क्लिक करके जॉब्स देख लेना। एंड अगर आपको समझ नहीं आता आप किस जॉब के लिए इधर अप्लाई कर सकते हो तो क्या करना है, देखो नॉट श्योर वेयर यू फिट इन, तो आपको सिंपल सेंड योर रेज्यूम पर क्लिक करना है, अपना रेज्यूम सेंड कर दो या अपने आप सिलेक्ट कर लेंगे आपको कि किस रोल के लिए आप फिट हो, ठीक है। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आप लिख सकते हो, एज अ रिसेप्शनिस्ट आप काम कर सकते हो क्योंकि डेटा एंट्री का काम रिसेप्शन पे ही होता है, एज अ अकाउंटेंट काम कर सकते हो आप, ठीक है, बिलिंग काउंटर पे काम कर सकते हो। यहाँ पे जॉब की कैटेगरी पर अप्लाई करना है, कैटेगरी में आपको एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करना है क्योंकि बाकी सब में मेडिकल डिग्री लगेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगेगी। प्रेफर्ड लोकेशन आपको दिल्ली, गुड़गांव, इंदौर, लखनऊ, रांची, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सैलरी जबरदस्त है इसलिए अच्छी तरीके से आप अप्लाई करना, लोकेशन की परवाह मत करना, अप्लाई कर लेना। उससे क्या है आपके अगर सिटी में भी होगा ना तो वो उधर ट्रांसफर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक करके अपना जॉब एप्लीकेशन फुल कर देना, बहुत इजी जॉब एप्लीकेशन है, नाम, सिटी, ये सब भरना है इस तरीके से। तो आप लोगों का भी जल्द से जल्द सिलेक्शन जरूर होगा, कॉमेंट करके जरूर जाओ। काफी सारे कैंडिडेट बोलते हैं हम कॉमेंट करते हैं बट हमारा नंबर भी कब आएगा, और लोगों का आता रहता है, देखो सबका आएगा धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। आप बोलते हो आप उनका ले लेते हो हमारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कैंडिडेट्स एक जैसे हैं, ठीक है। बस ये मैंने हमेशा आपको बताया आपका कमेंट तभी वैलिड माना जाएगा जब आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, जब आप इस वीडियो को 20 से 25 लोगों में शेयर कर देते हो, ठीक है। क्योंकि मैं चेक करता हूँ कि कौन दूसरों की भी हेल्प कर रहा है शेयर करके, मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो मेहनती कैंडिडेट ही होता है, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दो कमेंट करने के बाद और लाइक कर दो फटाफट से ताकि आपका कमेंट वैलिड माना जाए। तो अब आते हैं नेक्स्ट जॉब, 5:45 अपडेट डल जाएगा कल परसों में, तो नेक्स्ट जॉब के लिए आप रेडी रहो, सब्सक्राइब करके रख लो चैनल। कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग मेरे से मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, अप्लाई कर लो। और कोई मेडिकल करियर बनाना चाहता हो अपना तो उनको भी जरूर शेयर कर देना, आपके रिलेटिव्स में कोई जॉब ढूंढ रहा हो, नर्स की, डॉक्टर की, किसी भी चीज की, वार्ड बॉयज होते हैं उन सब की जॉब यहाँ पे अवेलेबल है।
जो रेगुलरली शेयर करता है वीडियोस, लाइक कमेंट करता है, उसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। आपको पता है पीसी, लैपटॉप, हेडफोन्स, कैश प्राइज, ये सब गिव अवे में मिलते हैं 10,000 तक। तो रेगुलर रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सपोर्ट मैं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में फेस की अच्छा कुछ ना होने की वजह से, वो आप लोग फेस करो। सो ये पीसी का एक पार्ट आ चुका है भाई, अमेजोन से मंगा लिया, अब और धीरे धीरे पीसी के पास आते रहेंगे और गिव अवे चले जाएंगे। सो यहाँ पे गिव अवे बॉक्स जो मैं पीसी देने वाला हूँ उसके पार्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, उसको अनबॉक्स किया जा रहा है यहाँ पर, और देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर गिफ्ट्स हैं और यहाँ पे अनबॉक्स हो रहा है भाई। तो रेगुलर लाइक कमेंट शेयर करते रहो और प्राइजेस जीतते रहो। सो गाइस, जो जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में फेस की ना स्टार्टिंग में, अच्छा लैपटॉप नहीं, पीसी नहीं, कुछ नहीं, तो मैं नहीं चाहता और स्टूडेंट्स जो पीछे रह जा रहे हैं इस चीज की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके घर पे, अच्छा फोन नहीं ले पा रहे, टैबलेट पीसी कुछ भी नहीं है, स्किल्स किस पे सीखे ना, कंप्यूटर है। तो मेरा ये इनिशिएटिव है, मुझसे जितने हो पाएगा मैं उतना हेल्प करूंगा। आपने देखा मैं पीसी भी गिव अवे अब कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी मैं गिव अवे में दूंगा, लैपटॉप टैबलेट सब कुछ गिव अवे में मैं देने वाला हूँ। तो भाई बस रेगुलर सपोर्ट करते रहो, अगर आप भी जीतना चाहते हो, देखो फ्री में तो नहीं दे रहा, आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी नहीं देने। रेगुलर लाइक कमेंट शेयर स्टोरी पर मेंशन, रेगुलरली सपोर्ट जो करेगा वो भी दिल से, ऐसा नहीं है सिर्फ आप प्राइस के लिए, आप बोल रहे हो कि प्राइस कम मिलेगा मेरे को प्राइस नहीं, जो दिल से सपोर्ट करेगा, जो जो मेहनत करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा, ताकि यार कोई स्टूडेंट पीछे ना रह पाए। जो चीज मैंने फेस की मैं नहीं चाहता और लोग फेस करें इस चीज को, तो मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी हेल्प होगी सबके लिए। रेगुलर लाइक कमेंट शेयर मेंशन करते रहो, सपोर्ट करते रहो और गिव अवे प्राइज जीतते रहो।